ब्लॉगर को क्या हो गया? ब्लॉगिंग करते करते सीढ़ी भी फिसल के गिर आपकी वजह से वहां से निकल गई। तो तुमको ठीक से देख के चलना चाहिए था ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू रिचानी मानसू ब्लॉग। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और ये बज रहे हैं शाम के लाइक 5 बज चुके हैं। ऑफिस खत्म हुआ था, फिर मैं थोड़ा रेस्ट की, तो अभी पहले फटाफट मैं काम करती हूँ जो भी काम पेंडिंग है, और मुझे पैकिंग भी स्टार्ट करना है गाइस। तो पैकिंग भी स्टार्ट करेंगे, पहले सोच रही हूँ जो भी किचन पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि हमने लंच बनाए थे, तो उसके बाद फिर वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है क्योंकि ऑफिस चल रहा था तो बिल्कुल भी टाइम मिला नहीं था। तो अभी मैं पहले घर का थोड़ा मोड़ा काम करती हूँ, फिर पैकिंग स्टार्ट करूँगी। तो चलो ब्लॉग में बने रहना, एंड तक जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक करते नहीं हो, तो लाइक जरूर से करना और सब्सक्राइब करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना वीडियो को। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बस आप एंजॉय करना। बर्तन धो लिया, अभी बना रहे हैं चाय के लिए। तो चाय मैं तो नहीं पीती हूँ, इनको बस चाय दे देती हूँ अदरक वाली। उसके बाद फिर अभी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। पैकिंग थोड़ी देर करने के बाद, नहीं तो मैं सोच रही पहले बाहर चले जाऊँ, बाहर से मटर लेके आती हूँ क्योंकि ये पनीर लेकर आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ पनीर मटर बनाते हैं, तो चलो पहले चाय देते हैं फिर बाहर से मटर लेके आएंगे, उसके बाद फिर पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो मैं कितना अच्छा चाय बनाई और ये नहीं पी रहा। ऐसी हेयर कटिंग करा, आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं, कैसा है बेबी? चाय थोड़ा, चाय पत्ती बस ज़्यादा हो गया, ठीक लग रहा है? ठीक है चलो ऑफिस करो। या तो मैं सोच रही हूँ पहले पूरा डिनर बना लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से, क्योंकि पैकिंग करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ज़्यादा मुझे पैकिंग करना नहीं है क्योंकि जब मेरा भी एक ट्रॉली घर पे ही पड़ा हुआ मम्मी के घर पे, तो वो मैं बोलूँगी मेरे भाई को वो पहुँचा देगा। तो उस ट्रॉली में मैं बहुत सारा ऐसा कपड़ा था जो वहाँ पे छोड़ के आई थी, और वैसे भी हम लोग तो बस एक 1 वीक के लिए ही जा रहे हैं, तो ज़्यादा कपड़ा लेके जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बस हल्का फुल्का कपड़ा लेके जाएंगे, और वही है क्योंकि उधर से आएंगे तो माइट भी थोड़ा ज़्यादा सामान हो सकता है, क्योंकि मेरी जो मम्मी जी है वो कुछ कुछ सामान देती ही रहती हैं, तो हो जाएगा ही। और हम लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो कुछ कुछ लेकर भी आएंगे, क्योंकि पता नहीं इसके बाद फिर कब हो जाएगा इस रांची जाना, क्योंकि हम लोग रिसेंटली अभी 2 बार तो आप देख चुके हो। तो गैस तो हम लोग बस ज़्यादा कपड़ा होगा नहीं, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ खास पैकिंग करना नहीं है, कुछ ही डालना है, तो बट वही डालेंगे। और जैसा आपको पता है रांची में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसके लिए भी कपड़ा लेना होगा, गर्म कपड़ा, तो वो सारा कुछ डालेंगे। और हम लोग का गैस हाँ 19 तारीख को है, हम लोग इधर 19 तारीख को है हम लोग का यहाँ से फ्लाइट, तो निकलेंगे। और फिर मैं सोच रही हूँ कि तो इसलिए, और वहाँ पे मम्मी के घर पे मेरा एक ट्रॉली ऑलरेडी रखा हुआ है, जब मैं इससे पहले गई थी आप देखे होंगे, तो एक ट्रॉली मैं छोड़कर ही आई थी, क्योंकि हम लोग इधर से ट्रेन से गए थे तो मैं 2 ट्रॉली लेके गई थी, उसमें बहुत सारा सामान लेके गई थी। बट ऐसा मौका मिला ही नहीं, हम लोग कहीं वैसा कोई ट्रिप घूमने गया नहीं, मैं कपड़ा लेकिन लेकर गई थी बहुत सारा, तो वो मैं छोड़ कर आ गई थी। मैं सोची कि अभी जाऊँगी तो लेकर आऊँगी क्योंकि अभी ट्रेन से आना, तो चलो इसलिए मैं ज़्यादा कपड़ा लेकर नहीं जा रही हूँ। तो चलो अभी बाहर चलते हैं, मटर लेके आते हैं, और प्याज खत्म हो गया, प्याज लेके आते हैं, बनाते हैं पनीर मटर की सब्ज़ी, उसके बाद फिर पैकिंग स्टार्ट करते हैं। पूरा डब्बा खा जाएंगे, मैं भी लोग अपने डब्बे से निकाल लो, और मैं जा रही हूँ बाहर, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ, चलो ये नाटक रिकॉर्ड क्यों कर रही हो? गाइस हम गिर गए, और इनको देखो इनको, तो तुम नाटक ना कर रही हो? अरे तुम सीरियस है, सच में स्लिप किया है? चलो कित कित करो, ऊपर क्यों रख रही हो? हम मटर लाने जा रहे थे, और ये मटर यहाँ का मसाला पूरी लेके आए, रिया हेलो, सोने की वजह से हम गिरे, सिर्फ ये इंसान के डांटने की वजह से। कॉड ही सुना ना, बोलती है पैर मेरा हड्डी कर रही हूँ, हड्डी ठीक कर दो नहीं तो अभी बाल जुड़ेगा नहीं। हम जुड़ेंगे। तो एक बात बताओ, अगर टूट गया तो हम लोग एनिवर्सरी भी नहीं मना पाएंगे, जैसे आए थे ना तेरे शादी में, उसी तरह तुम भी प्लास्टर लेके जाओ। मजाक कर रहे हो, तुम प्लास्टर लेके बैठा रहो, अच्छा सुखा तो लगी गया तेरे।
फिर आओ आओ बेड में लेटा था। आपका टूटा था क्या कभी? तो फूल गया था मेरा पूरा, सुशांत इतना बड़ा हो गया था। आप झूला से गिरे थे ना? नहीं, गिरा था साइकिल से, खड़ा था। अभी गर्म पानी में पैर डाले तो थोड़ा ठीक लग रहा है, पेन किलर भी खाया तो होप सुबह तक ठीक हो जाए, नहीं तो फिर एक्सरे कराने जाना पड़ जाएगा। थोड़ा कम लग रहा है एक्चुअली, पेन किलर भी खाया ना तो थोड़ा ठीक लग रहा है पहले से, तो अभी बस क्रैप बैंडेज बांधते हैं और लेट जाते हैं तो शायद ठीक हो जाए होप सो। क्या हो जाता है एक पल में, पूरा चेंज ही हो गया। अभी मैं क्या सोच रही थी कि यहाँ की पैकिंग करूँगी, सब्जी बनाऊँगी, बट कुछ नहीं हो पाएगा। और अभी ये तो इनके पास भी टाइम नहीं है क्योंकि इनको ऑफिस चल रहा है, तो ये बाहर ही जाकर खाएंगे खाना। तो बैड लक, बस मैं होप कर रही हूँ ठीक हो जाए। दर्द तो अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा दर्द नहीं है, जब पैर रख रहे तब दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द नहीं हो रहा। तो मैं होप कर रही हूँ कि रात भर नींद आ जाए और कल सुबह में उठूँ तो बस ठीक हो जाए। तो कल सुबह आपको अपडेट देती हूँ जैसा भी पैर का कंडीशन रहता है, तो कल सुबह आपको अपडेट तो कल सुबह आपको अपडेट देती हूँ जैसा अभी पैर का कंडीशन रहता है। अभी तो फिलहाल दर्द हो रहा है, तो अभी बस ट्राई करते हैं सोने का। पता मुझे नींद नहीं आया क्योंकि आदत नहीं इतना जल्दी सोने का। तो चलो गाइस, आज पता नहीं मेरा बैड लक था क्या था, दिन तो पूरा अच्छा गया था, सब कुछ अच्छे से हुआ, आप जैसा ब्लॉग में देखे हो सब कुछ अच्छा था, बट सडन यहाँ से क्या हो जाता। तो होप बस ठीक हो जाए। और सबको गाइस, सबको फोन कर रहे हैं, सबको बहुत वरीड है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बस हस्बैंड वाइफ रहते हैं और अगर वो घर नेबर भी ऐसा हम लोग कोई है नहीं, तो इसलिए सबको बहुत वरीड है। बट ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ठीक हो जाएगा, होप ठीक हो जाए। तो चलो जैसा होता है आपको अपडेट देते हैं गाइस। तो गाइज ये लेकर आए हैं बाहर से, और मैं खाना बनाने पर, तो यहाँ पे तो रोटी देता नहीं है, जो हम लोग आटा रोटी खाते हैं, ये शायद मैदा का रोटी है, और ये सब्जी है और ये दाल है। तो चलो खाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज आपने देखा कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लाइक मेरे पैर में चोट मोच आई है बहुत ज़्यादा, और अभी देखते हैं शायद कल एक्सरे भी कराएंगे तो पता चला, और हम लोग को परसों निकलना भी है। तो मुझे चलने में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सच बताओ तो, मतलब चल नहीं पा रहे और चल रहे तो दर्द भी हो रहा है। तो चलो बस यही ब्लॉग था, मैं सोची थी आज पैकिंग करूँगी, पैकिंग भी नहीं मैं कर चुकी थी, बट फाइनली पैकिंग होता है ना तो मैं सोची थी वो कर लूँगी, बट हो तो पाया नहीं, तो कल करते हैं क्योंकि परसों तो निकलना है, कल ऑफिस है, ऑफिस भी है तो ऑफिस की बात करेंगे। और कल जैसे आपको बताई थी कि इनके फ्रेंड से भी हम लोग को मिलने जाना था, तो पता नहीं मैं अभी जा पाऊँ कि नहीं, बट ये मिल लेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद मिले, मैं तो बाद में ही मिलूंगी तो चलेगा। तो चलो मैं सोची थी कृष्णा से मिलूंगी, वो कनाडा से आया है बहुत टाइम के बाद, तो पता नहीं कल मिलना हो पाए कि नहीं, क्योंकि ऐसे पहले के तो मैं मिलने नहीं जा सकती हूँ। तो देखती हूँ अगर वो घर आता है तो फिर आप लोगों को मिलाऊंगी, अदरवाइज फिर वही अगर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ तो ये ब्लॉगिंग करेंगे। तो चलो, तो गाइस चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, कल का ब्लॉग आएगा होप सो। तो चलो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, मतलब बाय गाइस।